गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आई एस क्लास रूम प्यारे बच्चों कुछ बच्चों में कॉमेंट थे कि कभी कभी जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सर लेकिन जब आपके वीडियो देखते हैं फिर ठीक हो जाता है नहीं आप ऐसा करो इसमें आप अपने चार महीने का टाइम टेबल बनाओ जिसमें प्रलीमरी और मेन के करंट साथ में डेढ़ दो घंटा स्टैटिक जी का ताकि आपका प्रीमरी कन्फर्म हो जाए प्रलीमरी सबसे पहले कन्फर्म करना है साथ में आप सी सेट करते रहो थोड़ा बहुत उसके बाद आपने अपना ऑप्शनल आप पे क्योंकि ऑप्शनल से सिलेक्शन आपकी बहुत ऑप्शनल का रोल है क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत आते हैं और एस की राइटिंग प्रैक्टिस देखिए मेन के लिए राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉडल नोट्स ये गोल्डन रूल है और प्रलिमरी में आपका करंट अफेयर्स और स्टेटिक जी पेपर के लिए स्टैटिक भी आप जो है करंट की तरह से करो प्रिटिकली जैसे आप अब कर रहे हो आपको बिल्कुल स्किल आपकी डेवलप होगी मैं देख रहा हूँ आप वो सारी न्यूज़ पढ़ते हैं उन्हीं पर आपका नज़र जाने लग गई आप दो महीने में पूरे ट्रेंड होते जा रहे हो तो इसलिए घबराना नहीं है घबराने से मटेरियल गलत पड़ा जाएगा और लिमिटेड मटेरियल रखो अपने पास तो आज हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस और तो हिंदू के न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे अब ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं न्यूज़ लेके आया हूँ सबसे पहले क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को आप जो है स्किप कर देते हैं और ये न्यूज़ ऐसी है कोई भी नहीं पड़ेगा इसको ये हमारी फूड पॉलिसी से इंडिया की फूड पॉलिसी से ये आर्टिकल रिलेटेड है कुछ पोर्सन इसका आप देख सकते हैं कैसे क्रिटिकल एग्जाम द फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया ये कहाँ पे मिलेगा आपको इसका आंसर इंडिया ईयर बुक टू में बहुत अच्छा है या फिर आपका योजना में मिल सकता है ये आर्टिकल योजना में भी ध्यान रखना आप योजना में कई बड़े स्पेशल आर्टिकल आते हैं नीचे आर्टिकल आते हैं क्लाइमेट चेंज पे आ गया फूड पॉलिसी पे आ गया वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे आ गया एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ये स्पेशल जो है आर्टिकल आते हैं इसमें योजना में तो उस पर आपने ध्यान रखना है और उसको नोट्स बना के उसको दोबारा नहीं देखना नोट्स अगेन एंड अगेन प्रिपेयर योर नोट्स अब ये इंपॉर्टेंट ये है एक तो एफ सी आई के आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिक्योर करती है फार्मर्स से थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स ये सेंट्रल एजेंसी है जो फूड ग्रेन को फूड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये देश की और अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बफर स्टॉक हमारे जो मैंडेटरी है स्टेचुरी है एक जनवरी को क्या होगा मतलब क्वार्टर के पहले दिन क्या होना चाहिए एक अप्रैल को क्या होगा एक जुलाई को क्या होगा इस तरह से एक अक्टूबर को क्या होगा ये फिक्स है जैसे नॉर्म है ये हालांकि हमारा कई गुना रहता है उससे ज्यादा क्योंकि हमें ऑपरेशनल स्टॉक भी चाहिए पीडीएस के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड का अब ये देखिए इसमें दिखा रखा है कि आप इसको देखें चार्ट को हमारा जो नॉर्म है वो वन लाख टन वीट का है सेवनटी लाख टन राइस का है और दो टोटल है लाख टन ट और राइस का है ठीक है अब आप देखेंगे कि वीट का ज्यादा है इस समय जनवरी में अक्टूबर में इससे भी ज्यादा रहेगा एक जुलाई को भीट का बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा पुराना और नई जो है हमारी क्रॉप आ जाएगी अप्रैल से के एंड से जो है मिड अप्रैल से शुरू हो जाती है हमारी प्रोक्योरमेंट तो यह अलग अलग जो है क्वार्टर में अलग अलग रखा गया है नॉर्मल अब इंपॉर्टेंट इस फूड पॉलिसी में यह है एक तो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट प्रक्योरमेंट क्यों करती है आप सभी को पता है फार्मर को रिमिलेटिव प्राइस दे दूसरा हमारा बफर स्टॉक और ऑपरेशन स्टॉक के लिए फूड ग्रेन आ जाए फूड सिक्योरिटी के लिए कोई भी नेचुरल कलेमिटीज आ जाए ड्राउट आ जाए कोई भी किसी तरह का क्रॉप जो है हमारी फेल हो जाए कोई भी रबी के करीब तो ये जो मैंडेटरी जो स्ट्रेटजिक स्टॉक है रिजर्व वो इसलिए होता है ताकि हमें इम्पोर्ट इतना ज़्यादा ना करना पड़े एकदम भुवनी ना आ जाए ये हमारी फूड पॉलिसी का पार्ट है यू विल फाइंड इन 2023 इंडिया ईयर बुक ठीक है ये इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करो आप इससे आपको पता चल जाता है जैसे आप ये ऑपरेशन स्टॉक में आपको डिफरेंस बता होना चाहिए फिर दूसरा फूड पॉलिसी में आप जितने हैं, हमारी जो पीडीएस है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिड डे मील इनमें जो अनाज सरकार देती है एफ सी से लेती है गवर्नमेंट लेती है और एक आपको ये पता होना चाहिए हमारी फूड सब्सिडी है हम किस किस रेट पर भीट दे रहे हैं किस रेट पर पी में गरीबों को राइज दे रहे हैं टू पॉइंट एट एट लाख

तो इसलिए ये मैं आपको आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का लेके आया अब ये एक्सप्लेन पेज पे बहुत अच्छा इन्होंने ये आपने आर्टिकल पढ़ना है एजुकेशन पे एन जी ओ है सिविल सोसाइटी कहते हैं इसको प्रथम इसने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है छ से चौदह साल के बच्चों की एजुकेशन रिपोर्ट दी है बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये सर्वे किया इन्होंने चौतीस हजार से ज्यादा रिस्पोंडेंट थे रूरल 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 का है ये सर्वे। का ये वो में सर्वे किया। और उसके जो, है रिपोर्ट जो मैथ है वो नहीं कर सकते सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती उनको ऐसी रिपोर्ट से ये होता है कि एक तो स्टेटस पता चल जाता है दूसरा पॉलिसी हेल्प मिल जाती है कि हम प्राइमरी एजुकेशन मिडिल एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट करें हाई स्कूल में क्या करें इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है आज ये रिपोर्ट आई है ये पूरे महीने डिस्कस होगी इंटरव्यू में आई एस के ध्यान रखना जो टेस्ट में जाएंगे इसको इन आर्टिकल्स को पढ़ के पूरा आपसे डिस्कस करेंगे वो एजुकेशन का ये देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस के लिए मैंने ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस में अच्छी देर के हिंदू में बहुत छोटी न्यूज है इसलिए आप इंडियन एक्सप्रेस से देखना इसको अब ये बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से है ये टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स प्रथम ने रिपोर्ट दी है स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ठीक है अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्ट पर हालांकि ये पेपर में आने वाली नहीं है इतनी जल्दी लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए चाइना तैवान का वन चाइना पॉलिसी है तैवान जो है रजिस्ट कर रहा है अब जो नई सरकार आई है इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी जो है चाइना के जो है उनकी पॉलिसी ये है कि वन चाइना पॉलिसी पे ये विश्वास नहीं करते इनकी डेमोक्रेटिक वेस में इलेक्शन रहा है तो तैवान को जो है यूएस जो है वो कर रहा है सपोर्ट इतना का आपको पता होना चाहिए एक कंट्री है नारू स्माइल आइलैंड कंट्री है वो जो है जैसे इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद उन्होंने दे हैव टू प्रो चाइना मतलब तो इन्होंने ताइवान का साथ छोड़ के चाइना की तरफ जो है इन्होंने झुकाव हो गया तो ये आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पार्टी है ये क्वेश्चन मैंने इस समझ निकाला कि किस कौन सी पार्टी जीती है वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लेड बाई लाई चिंग टे ये ऐसे कई बार छोटे मोटे सवाल आपको पता होना चाहिए अब ये भी टेस्ट एंड कंटेस्ट पर है आर्टिकल बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है नाइनटीन सिक्सटी फाइव लोकल कमिश्नों के लिए बना था पूछ लेते हैं कई बार कि भाई जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहाँ पे कुकी मणिपुर में उनके लिए था अब ये मेन इशू यह है कि होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा है कि कुकी जो मिट जो ट्राइब है मणिपुर में उसमें जो ट्राइब डिजर्व नहीं करती स्टेटस एस का वो डीलिस्ट की जाए आइडेंटिफाई की जाए सर्वे किया जाए अभी एग्जाम में तो होलिस्टिक प्रॉब्लम आएगी मणिपुर की क्या है जैसे हाई कोर्ट से शुरू हुआ था ये हाई कोर्ट ने जिसे कहा था मिट्टी को जो है एस का दर्जा मिलना चाहिए अब मिट्टी और कुकीज का होलिस्टिक में आपने जो तैयार कर रखे ना उसी तरह से इसमें तो सिंपल सा ये है लोको लोकु, कमीशन है ये इंपॉर्टेंट है डीलिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट नहीं अब ये ईरान जो है डिस्ट्राइक किया है पहले तो मिलिटेंट ने स्ट्राइक किया ईरान के वहाँ काफ़ी लोग जो है उनकी जो रास् जगह रास्क दिसंबर पंद्रह को और उसके बाद फिर उन्होंने स्ट्राइक किया मिलिटेंट्स ने अब ईरान के साथ क्या प्रॉब्लम है ईरान इधर तो जो है अथिस यमन में उधर हामज और लेबनान में जो है हिजबुल्ला उनको सपोर्ट कर रहे हैं इधर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलिटेंट्स के अटैक हो रहे हैं उन्होंने अटैक किया है ये जो है एक सेंट्रल पॉइंट बन गया ईरान इन्हें जैसे सीरिया में इराक में पाकिस्तान में भेज दें जो ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो मिडल ईस्ट के जो है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती जा रही है आपका हमास इजराइल वार देन ऑथीज का भी एकवलिटी है वो भी बहुत बड़ा जो है अफेक्ट कर रहे हैं अभी तीसरा जो है ये ईरान का जो है अटैक हुआ ईरान पे और अब ईरान अटैक कर रहे हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इराक सीरिया पाकिस्तान में अफगानिस्तान में से रिलेटेड और दूसरे ठीक है तो ये आपने एक बार पढ़ना है क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते इसमें जो है आर दस लोकेशन है जैसे रास् है शिस्तान बलूचिता इस तरह से कुछ मैंने निकाली है इसमें लोकेशन आपने नोट करनी है इडली भी है यह कहाँ पे है अरबिल है यदि आप इनको नोट नहीं करोगे तो आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि तो इडली भी है इरबिल है ये कन्फ्यूज कर जाएंगे आप कौन सा इराक में कौन सा सीरिया में जैसे इडली भी है सीरिया में इरबिल कैपिटल ऑफ इराक के कुर्दिस्तान कुर्द है वहां पे ज्यादा सिस्तान बलूचिस्तान ईरान में जहां पे अटैक हुआ है फिर करमन यहां पे अटैक हुआ है ईरान पे तो ये आपने लोकेशन का ध्यान रखना है इंटरनेशनल लोकेशन अब ये एक एजेंसी है सी आर टी इन बड़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया ये अपेक्ष एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि साइबर अटैक कोई भी हो उसको देखती है ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी एजेंसी कई बार पूछ लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है अब ये इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंडर है ये ये एजेंसी तमिलनाडु का आप ये भूल की कर रहे हैं जली काटू। इनका स्पोर्ट फेस्टिवल है इसकी खास बात यह है जैसे कंबाला कर्नाटका में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया दे कैन नाउ ऑर्गेनाइज दिस स्पोर्ट और ये पोंगल के दिनों में किया जाता है इसमें मैं कई बार क्वेश्चन ले आ चुका इसलिए इसकी पिक्चर थी ये आप एक बार इसपे जल्दी कटू पे देख लेना एक बार फिर यह विद्यार्थियों अब आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे जो ना कॉन्फिडेंस हो गया कि पहले मेरे आपका आराम से निकल जाएगा क्योंकि आप भी न्यूज़ उसी तरह से पढ़ते है जैसे मैं पढ़ता हूँ और कोई तरीका ही नहीं है मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया आप पे दूसरा एक चीज़ मैं कह रहा था कि जैसे मैंने एनवायरमेंट की सीरीज स्टार्ट की तो पहले एग्रीकल्चर की स्टार्ट की थी देखिए कोई बड़ी इंस्टिट्यूट वही जो है मान लिया मैं बीटी कॉटन पर लाता हूँ वो बड़ी इंस्ट्यूट लाएगी तो उसके दस हज़ार व्यवर होंगे मेरे जो ना तीन सौ व्यूवर होंगे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के इसका मतलब क्या है कि आप उस सर्जन से ऑपरेशन करा रहे हैं जिसके पास डिग्री नहीं है यही मतलब हुआ आप बिल्डिंग देख रहे हैं उनका नाम देख रहे हैं उनके एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं उनके आपने आप पर... अपनी study, अपनी स्टडी दिमाग से करनी है अपने दिमाग से अपनी प्लानिंग बनानी है हो सकता है बल्कि मैं तो मानता हूं ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां पे कंटेंट राइटर है उनसे बेटर है हमारे बच्चे लेकिन हमें पता नहीं उनका तो क्योंकि एक पर्दा है सिस्टम है जैसे मैं आपको सारी चीज बताता हूँ कई बार गलती भी हो जाती है आप बताते हैं ये गलती होगी यही होनी चाहिए इंटरेक्टिव स्टडी डिस्कशन होनी चाहिए आपस में आप जो भी करते हैं तैयार करंट अफेयर्स का जैसे तैयार करेंगे ना आप डिस्कस आप कीजिए एक दो बच्चे से लाइक माइंडेड आपका हो जाएगा प्लिमरी में दिक्कत नहीं है इसी तरह मेन में अपने नोट्स अपनी आंसर राइटिंग करोगे किसी बच्चे को नहीं पता जो टॉपर पर जब उनको नहीं पता था तुम्हारा प्लिमरी हो जाएगा क्योंकि वेली टीटिंग नीचे जाती है इतना अनप्रडिक्टेबल है तो इसलिए डरना नहीं है हर तो बार यही कहता हूँ आप जुड़े रहिए और एक आप एक दो मिनट के बाद वीडियो बंद कर देते हैं मैंने देखा भाई क्वेश्चन तो सारे इम्पोर्टेंट है लास्ट का भी इम्पोर्टेंट है पता नहीं कौन सा आ जाएगा एग्जाम में ये यही थोड़ा ना है कि कोई जो है पिक्चर का सीन थोड़ी ना है कि पहले वाला बहुत अच्छा था बाद में नहीं है ये तो हमारी पढ़ाई है स्टडी है सो सीरियसली लीजिए प्लीज़ सो थैंक यू वेरी मच